दोस्तों, ये दुनिया काफ़ी खूबसूरत है। धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव जंतु इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। आपने कई सारी खूबसूरत पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा होगा, जो आपके मन को मोह लेते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी आसमान में किसी सांप को उड़ते हुए देखा है, तो शायद आपको मेरी यह बात मजाक लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ भी। दोस्तों, दुनिया भर में सांपों की लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से कुछ सांप धरती पर रहते हैं तो कुछ पानी में, तो कुछ धरती और पानी दोनों पर ही रहते हैं। लेकिन इस अद्भुत दुनिया में सांपों की एक ऐसी भी प्रजाति मौजूद है जो हवा में उड़ती है, और आज की वीडियो में मैं आपको सांप की एक ऐसी ही प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, आमतौर पर सांपों को उसके जहरीलेपन और उसकी रेंगने की खूबी के कारण जाना जाता है, लेकिन हम जिस सांप के बारे में बात कर रहे हैं वह हवा में उड़ने की एक अनोखी खूबी के कारण जाना जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग स्नेक की, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इस सांप का वैज्ञानिक नाम क्राइसोपिलिया है और इसे ग्लाइडिंग स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग स्नेक की लंबाई 2 से 4 फीट तक होती है। यह सांप अपनी उड़ने की खूबी के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सांप उड़ते कैसे हैं, क्या इनके भी पक्षियों की तरह पंख होते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सांप के पंख नहीं होते हैं, इसकी शारीरिक संरचना ही इसे उड़ने में मदद करते हैं। दरअसल इसका शरीर बाकी सांपों की तुलना में काफी मुलायम होता है, और जब इन्हें किसी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना होता है तब यह अपने शरीर को फैलाकर पेड़ से छलांग लगा देते हैं और अपने शरीर को अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह बना लेते हैं, जिससे कि इन्हें हवा में लंबी दूरी तय करने में मदद मिल सके। फ्लाइंग स्नेक 350 फीट तक की दूरी आसानी से हवा में तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी इस खूबी को उड़ना नहीं बल्कि छलांग लगाना कहते हैं। उनका मानना है कि ये सांप हवा में उड़ते नहीं हैं बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हैं। पर दोस्तों, 350 फीट तक की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। छलांग लगाने की वजह से जाने जाने वाले जानवर बंदर भी छलांग लगाकर इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। तो फिर फ्लाइंग स्नेक के पास तो बंदरों की तरह फुर्तीले पैर भी तो नहीं होते, तो वो कैसे इतनी लंबी दूरी छलांग लगाकर तय कर सकता है? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में फ्लाइंग स्नेक उड़ते हैं या फिर वो छलांग लगाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर बात करें फ्लाइंग स्नेक के खान पान की, तो वह आम सांपों की तरह चूहे, मेंढक और पक्षियां खाना पसंद करते हैं। इन सांपों की औसत आयु 10 वर्ष तथा इनका औसत वजन 500 ग्राम से 1 केजी तक होता है। दोस्तों, अगर आप सांपों से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां हम सांपों से रिलेटेड और भी अमेजिंग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।